आपका नाम क्या है? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Samsung Galaxy F15 5G स्मार्टफोन को Samsung Galaxy F14 5G स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि F15 के अंदर हमें 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ F14 के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना F15 स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें सुपर AMOLED पैनल मिल रहा है। अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन यार F14 की तरह नहीं कि सिर्फ PLS LCD पैनल लेके भाई काम ही मुका दिया, तो बिल्कुल एवरेज वाली डिस्प्ले आपको F14 के अंदर मिल रही है भाई, ध्यान रखिएगा। खत्म। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो F15 यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है जो कि One UI 6.1 पर बेस्ड है, और इस फोन में आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ Samsung F14 यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि One UI 5.1 कोर पर बेस्ड है। और दोस्तों जो कोर वर्जन है ना, One UI का लाइटर वर्जन है, पैसे बचाए इन्होंने यहां पर भी। और अपडेट्स की बात करें तो इस फोन में आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो इसी हिसाब से तो भाई यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में Samsung F15 स्मार्टफोन ही विनर है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट UI देखने को मिल रही है भी, अच्छी बात है। और जो अपडेट्स है ना वो भी हमें इसी फोन के अंदर ज्यादा वाले मिल रहे हैं भाई, बढ़िया ही बात है सही में। और अगर हम बात करें चिपसेट की तो F15 के अंदर हमें Dimensity 6100 प्लस 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ F14 के अंदर हमें Exynos 1330 5G चिपसेट दिया गया जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों ये जो Exynos प्रोसेसर होते हैं ना भाई, अपनी महान हीटिंग इश्यू के लिए जाने जाते हैं भाई, ये भी ध्यान नहीं रखिएगा। तो इस हिसाब से तो भाई ओवरऑल डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही मामलों में Samsung F15 स्मार्टफोन ही विनर है। और एंटूटू स्कोर यहां पर दोनों फोन्स का आता है 4 लाख के करीब जो कि एक अच्छा स्कोर है। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो F15 के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, वहीं दूसरी तरफ F14 के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे F15 की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ F14 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों F14 का जो मेन कैमरा है ना भाई 50 मेगापिक्सल का, भाई डिसेंट फोटोज आपकी क्लिक कर देगा, उसमें आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। लेकिन यार जो उसका सेकेंडरी कैमरा है ना 2 का, डेप्थ सिर्फ और सिर्फ यूजलेस कैमरा, इसका कोई फायदा नहीं है यार। अगर Samsung वाले इसके अंदर हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा दे देते ना तो ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन दोस्तों पैसे तो बचाने थे ना आखिरकार इन्होंने। तो इस हिसाब से भाई अगर आपको ओवरऑल बढ़िया कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए ना भाई, डेफिनेटली आप यहाँ पर Samsung F15 की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का भाई बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया जो कि अच्छे डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। और साथ ही हमें इस फोन के अंदर 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है जो कि काफी अच्छी बात है। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों फोन के फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया भाई, सेल्फी लवर के हिसाब से यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन के फ्रंट और बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक एट 30 FPS पर ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहाँ पर 6000mAh की बहुत बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं। देखिए दोस्तों दोनों फोन्स के साथ में आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप काफी इजीली मिल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों फोन्स यहाँ पर 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यार दिल तोड़ने वाली बात यह है कि दोनों फोन्स के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलेगा भाई, ध्यान रखिएगा। अब चार्जर भी आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों फोन्स यहाँ पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिया गया है। और दोस्तों दोनों फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के ही साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों F15 स्मार्टफोन के 6+128GB वेरियंट की प्राइसिंग है 18,000 रुपये। वहीं दूसरी तरफ F14 स्मार्टफोन के 6+128GB वेरियंट की प्राइसिंग है 10,500 रुपये। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपका बजट है 10-11 हजार रुपए तक, और उसमें अगर आपको Samsung की तरफ से 5G फोन चाहिए वो भी अच्छे क्वालिटी वाला, तब आप यहां पर डेफिनेटली F14 की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको Samsung के फोन में सारी स्पेसिफिकेशन एकदम बढ़िया वाली चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली Samsung F15 की तरफ ही जरूर से जाइए।